हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मला किचन। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल घुट्टो। गुजराती की ट्रेडिशनल रेसिपी है ये। घुट्टो के लिए हमने लिया है ये सब सब्जियां। मैं ये सब सब्जियां आपको दिखा रही हूँ। ये सुवा है, सुवा हमने इस रेसिपी में ज्यादा लेना है। पालक, धनिया, मेथी, बैंगन, वालोर पापड़ी, लौकी, नेनवा, गुजराती में गलका बोलते हैं, तुरैया, इसको गुजराती में घिसोड़ा बोलते हैं, ग्वार और फ्रेश लहसुन लेना है हमें। लहसुन को हमें, अगर आपके पास फ्रेश लहसुन नहीं है तो आप ये लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं जो डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं। लहसुन को मैं इस तरह से कट करने वाली हूँ और मिक्सचर में बारीक चॉप करके लेने वाली हूँ। और उसके पत्ते हैं, इसको मैं बारीक चॉप करने वाली हूँ। लौकी और बैंगन को हमें लास्ट में चॉप करना है, बारीक कट करके लेना है, क्योंकि नहीं तो काली पड़ जाती है। और लौकी और ये तीनों सब्जियों को आपको टेस्ट करके देखना है, अगर कड़वी है तो यूज़ मत कीजिएगा। ये सब सब्जी में आपको जो भी सब्जी पसंद है आप ज़्यादा कम ले सकते हैं, पर आपको मेथी कम लेना है, नहीं तो घुट्टो कड़वा हो जाएगा। बहुत कम लेना है हमें। अब मैं ये सब सब्जी को धो के चॉप करके रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये नेनुआ कड़वा निकला है, इसके लिए मैंने बोला था आप टेस्ट करके लीजिए। आपको नेनुआ, तुरैया और लौकी तीनों टेस्ट करके ही लेना है। अगर आप कड़वा डाल देंगे तो सब्जी कड़वी हो जाएंगी और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और मेथी को मैंने पहले चॉप करके पानी में डाल दिया था, बाकी के सब सब्जियां मैंने बाद में चॉप की है, क्योंकि इसका थोड़ा कड़वापन कम हो जाए इसके लिए। फ्रेंड्स, ये घुट्टो हम कुकर में बनाएंगे, तो मैंने 6 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखा है। और हम सब सब्जियां जितने हमने चॉप की, मैंने स्टार्टिंग मैंने आपको सब्जियां दिखाई थी, वो मैं सब सब्जियां इसमें डाल रही हूँ। इसका रियल मेथड है कि इसको चूल्हे पर बनाया जाता है बड़े बर्तन में, 1 घंटा लगता है बनने में। अभी हम इसको कुकर में बना के दिखाएंगे, जल्दी हो जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। बैंगन डाल रही हूँ। सब्जियाँ डूब जाए उतना ही पानी लेना है, हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है सब्जी को। ये मैंने लौकी डाली है, मैंने लौकी बैंगन सब आधा आधा लिया है। ग्रीन सब्जियाँ डाल रही हूँ मैं, हमें अच्छे से धो के लेना है, बहुत मट्टी रहती है इसमें। देख लेंगे कितना पानी है इसमें। सब्जियाँ डूब जाए उतना ही पानी लेना है हमें, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसमें हम जो मैंने लहसुन आपको दिखाया था कि फ्रेश लहसुन मैंने कट करके मिक्सचर में पेस्ट किया है, आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। ये लहसुन मैंने दिखाया था आपको, ये लहसुन मैंने वाइट वाला लिया था और मैंने पेस्ट करके रखा है। अभी उसमें डालेंगे, इसमें बहुत सारा लहसुन डालना है, टेस्ट अच्छा आता है। हरी मिर्च की पेस्ट है, आपको जितना तीखा करना है आप कर सकते हैं, पर मैं मीडियम तीखा बना रही हूँ। ये तीखी वाली मिर्ची है, इसका तीखापन सिर्फ लहसुन और मिर्ची से ही हमें करना है। जैसे इस तरह से बॉईल आ जाए हम मीडियम फ्लेम करेंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है और हम नमक डालेंगे। ढक्कन ढक देंगे उसका, हमने रिंग रखना है इसमें और सीटी निकाल देनी है, सीटी नहीं रखना है हमें। और हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पकाएंगे। आप चाहे तो बीच में भी चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने सीटी नहीं लगाया है।
सब्जी पकी है या नहीं, या तो आप वापस भी आप रख सकते हो। तो मैं मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पका रही हूँ और मैंने सीटी निकाल दी है। फ्रेंड्स, मैंने गैस बंद कर दिया है। मैंने 15 मिनट के लिए बॉईल किया था, अभी मैंने गैस बंद कर दिया है। तो हमें तुरंत ढक्कन खोलना है। ये देखिए, ढक्कन हमें तुरंत खोलना है। अच्छे से पक गया है सब। फ्रेंड्स, हम घुटों को इस ब्लेंडर से बारीक करेंगे। फ्रेंड्स, इतना मैंने बारीक किया है, आपके ऊपर है। आपको ज़्यादा बारीक चाहिए तो बारीक ज़्यादा कर सकते हैं, पर इतना ही थोड़ा खाने में अच्छा लगता है। ये देखिए, और बहुत ही ग्रीन बना है। ये देखिए, इस तरह से आप बनाएंगे तो ग्रीन भी होता है और जल्दी भी हो जाता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसको कैसे खाना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, आप एंड तक मेरा वीडियो देखिएगा। फ्रेंड्स, हम घुटों के साथ खाने के लिए जो गांव में बनाते थे सलाद, वैसे हम बनाएंगे। एक कच्चा गाजर है, मैंने छोटे पीसेस किए हैं, और लहसुन की चटनी का वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो मैंने मिक्सचर में नहीं किया है, पत्थर में किया है। तो इसमें मैंने नमक डाला हुआ है, तो हम लहसुन की चटनी डालेंगे। आपको जितना तीखा करना है उतना आप कीजिएगा, और उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे इस तरह से, और मिक्स करना है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, ऑलरेडी चटनी में है, फिर भी। इस तरह से हमारा गाजर का सलाद रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने तुरैया जब घुटों में डाला था तो मैंने इसके छिलके निकाले थे। ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसके लिए अगर सॉफ्ट है तो ही आप यूज़ कीजिएगा। ये देखिए, आप नाखून लगा के देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इस तरह से उसके छिलके निकाले हैं घुटों के साथ खाने के लिए। ये भी गाँव की मैथड से मैं दिखा रही हूँ, गाँव में ऐसे ही बनाते हैं। मैंने तवा गर्म करने के लिए रखा है, हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको हम फ्राई करेंगे। ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इसको हमें क्रिस्पी बनाना है। फ्रेंड्स, मैंने मीडियम फ्लेम पर मैंने इतना क्रिस्पी किया है, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कीजिएगा। अब उसके ऊपर हम नमक डालेंगे, इसमें और कुछ नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप कभी कढ़ी खिचड़ी बनाते हो तो कभी भी आप बना के खा सकते हैं। फिर सेम मेथड में हम हरी मिर्च को भी बनाएंगे इस तरह से। मैंने बाजरी की रोटी की रेसिपी डाली है, उसमें भी मैंने इस तरह से दिखाया है, तो आप वो देख लीजिए। और बाजरी की रोटी भी इसके साथ खाई जाती है, तो वो भी मैंने बना के रखा है। तो बाजरी की रोटी का वीडियो आप ज़रूर देखिए, बाजरी की रोटी बना लीजिए, और इस तरह से आप मिर्ची को भी बना के ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा विंटर स्पेशल घुट्टो रेडी है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं हमेशा मीडियम तीखा बनाती हूँ, और उसके साथ मैं हम एक चटनी कंपलसरी है, आप बनाइए। मैंने चाट चटनी का वीडियो अपलोड किया है, सेम मेथड में आपको बनाना है। आपको लहसुन के बदले आप फ्रेश लहसुन और उसके पत्ते डाल दीजिए, और सेम मेथड में बनाए, और स्पाइसी चटनी रखनी है। अगर आपको घुटो कम तीखा लगता है तो ये चटनी आपको मिक्स करके आप जितना स्पाइसी चाहिए उतना आप खा सकते हैं। और उसके साथ छाछ और ये सब मैंने आपको बताया है, और मूली और ऑनियन भी रखा है, और विंटर में फ्रेश हल्दी भी मिलती है, आप खा सकते हैं। और इसके साथ राइस के साथ आप घुटो खा सकते हो, खिचड़ी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और रोटी के साथ भी आप मिक्स करके खा सकते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको इसको कैसे खाना है।
फ्रेंड्स, इसके खाने का मेथड मैं दिखा रही हूँ। इसको बाजरी की रोटी को आपको इस तरह से पीसेस करने हैं और बारीक करना है आपको जितना चाहिए उतना, या तो आप रोटी के साथ भी सेम मेथड में खा सकते हैं। और उसके ऊपर हम गरम गरम घुट्टो डालेंगे और इस तरह से हम चटनी डालेंगे। आपको स्पाइसी चाहिए तो आप डालिए। आपको इस तरह से हाथों से मिक्स करना है, जितना बारीक हो सके उतना आपको मिक्स करके लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मिक्स करके खाना है। अगर आपको पतला चाहिए तो और घुटो डाल के खा सकते हैं। ये सब सलाद मैंने इधर सजा के रखा है, तो इसके साथ आप खाइए और एंजॉय कीजिए। और आपको मेरा घुटो का वीडियो कैसे लगा है तो मुझे ज़रूर बताइए। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए तो आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।